नमस्कार दोस्तों, मैं ममता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल AKH अमता में। आज मैं आपको मसाला बाटी बनाना सिखाऊंगी, पर उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आइए, मसाला बाटी के लिए मैं मसाला सबसे पहले तैयार कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने एक पैन चढ़ाया है और उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है। घी मेरा हो गया है, अब मैं इसमें अदरक डालूंगी कद्दूकस किया हुआ, ऐसे कुछ देर भूनेंगे। अब ये हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और पानी डाल के भी थोड़ी देर इसे भूनेंगे। अब ये हो गया है, अब मैं इसमें एक बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज डालूंगी और इसे गुलाबी होने तक भूनेंगे। अब ये हो गया है और अब इसमें नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और अब इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा, और अमचूर पाउडर आधा चम्मच, और इसको मैं अच्छे से चलाऊंगी। और अब मैं इसमें एक कटोरी हरी मटर डालूंगी, और अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ पनीर, इसे अच्छे से भूनेंगे और इसे ढककर थोड़ी देर पका लेंगे। अब ये मेरा मटर पनीर का स्टफिंग तैयार है, अब इसे मैं निकाल लूंगी। और मैंने अब बाटी के लिए आटा तैयार कर ले रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बड़ी कटोरी आटा लिया है और एक छोटी कटोरी आधी कटोरी मैंने भुना हुआ सूजी लिया है, और इसमें आधा चम्मच डाल रहे हैं अजवाइन, थोड़ा सा घी डाल रहे हैं एक बड़ा चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे दूध के साथ सानेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको सानेंगे, हमें इसका आटा कड़ा ही सानना है। अब इसे हम कुछ देर सेट होने के लिए रख देंगे। अब ये मेरा आटा तैयार है, अब इसे मैं थोड़ा सा फिर से सान ले रही हूँ, और उसके बाद अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाऊंगी। अब इसमें मैं स्टफिंग मैंने जो तैयार कर रखा है इसे डाल के इसे मैं अच्छे से इसे ऐसे गोल गोल ऐसे घुमाएंगे। फिर इसे मैं भर के इसका बाटी में तैयार कर ले रही हूँ। इसी तरह और भी बाटी को तैयार कर लूंगी। अब मेरी बाटी तैयार है, अब मैं एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है और इसमें अब हम बाटियों को डालेंगे और इसको मध्यम आंच में फ्राई करेंगे।
इसे बराबर से चलाते रहें ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अब मेरी बाटी हो गई है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसे बाटी को तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। आई होप आपको पसंद आया होगा ये रेसिपी। थैंक यू।